हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है बजाज पल्सर 150 cc बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसकी जो सेल्फ की गोलियां है वह डैमेज हो चुकी है। सेल्फ गोली रिप्लेस करके हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके सेल्फ का रूटर है और ये इसकी सेल्फ की पुरानी गोलियां है जो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। गोलियों के डैमेज हो जाने के कारण सेल्फ में आवाज़ बन जाती है। आवाज़ को रोकने के लिए गोलियों को चेंज करना पड़ता है। गोलियों को चेंज करने का तरीका हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी न्यू गोलियाँ है और इनका जो प्राइस है वो 90 rupees दिखाया गया है, 92 rupees। तो चलिए हम आपको इन्हें लगा कर दिखाते हैं गोलियों को लगाने के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेल्फ की गोली का स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम सेल्फ के रूटर के इस खांचे में यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद पीछे की साइड स्प्रिंग में ये लट्टू हमें यहाँ पर लगाना होता है और इसके बाद ये सेल्फ की गोली है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए ये यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद एक गोली हमें यहाँ पर लगानी होगी। ये देखिए ये यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए इसकी सभी गोलियां लग चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके ऊपर की साइड की प्लेट है। इस प्लेट को हमें हम यहाँ पर लगाएंगे। ये खांचा जो आप देख पा रहे हैं इसमें ये यहाँ का जो लट्टू है ये फिट हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस बाइक का मैगनेट है। मैगनेट में रोटर की फिटिंग होगी। मैग्नेट में लगाने के लिए ये जो आप खांचा देख पा रहे हैं इस खांचे को हमें यहाँ पर लगाना होगा। इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर लग चुका है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके रोटर के बोल्ट है, एलपी वाले बोल्ट है, 5 नंबर की एलपी की सहायता से हम इन्हें लगाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5 नंबर की एलंकी है। इसकी सहायता से हमें इसके पैंचों को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेल्फ की प्लेट है गरारी वाली, इसे हमें यहाँ पर गोलियों के बीच में फिट करना होगा। इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके मैग्नेट को हम बाइक में लगा देंगे।
दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं एक क्रैंक का रोड है। इस रोड में हमें इस मैग्नेट को फिट करना होगा इसे लगाने के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं सेल्फ की छोटी करारी है, इस छोटी करारी को हमें यहाँ पर लगाना होगा और इसके ठीक इस साइड में भी बड़ी करारी की फिटिंग होगी। ये देखिए ये छोटी करारी हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद इसकी ये पिन हम ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों इसके मैग्नेट को हमें यहाँ पर लगाना होगा। इसके मैग्नेट को हम ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे। ये काटर इस होल में फिट होगी, मैग्नेट की जो काटर होती है। ये देखिए दोस्तों इसका मैग्नेट अब काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेट के ऊपर की साइड का बोल्ट है, इसे हम लगाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से 14 नंबर के गुटके हैंडल की सहायता से अटैच कर देंगे। दोस्तों जो बजाज पल्सर बाइक के सेल्फ गोलियों की फिटिंग का वीडियो था वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।